subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. वो तोबा तोबा करे यार, क्यों है? कराची में कराची से लोग ईद मनाने अपनों में जब मैं रुक गया, तुम इशारा कर रहे क्यों? ये बरसाती रेला है। नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप खबर अपडेट देख रहे हैं। भारत में पाकिस्तान की बात किसी न किसी बहाने होती रहती है, लेकिन जब बात पाकिस्तान के पत्रकारों की आती है तो माहौल तो एकदम भैया मजेदार बन जाता है। पाकिस्तान के पत्रकार अक्सर ऐसे कारनामे करते हैं कि उस वजह से भारत में उन्हें बहुत सुर्खियां मिलती हैं और इतना फेमस हो जाते हैं कि किसी न किसी फिल्मी करेक्टर का भी नाम उनके नाम पर हो जाता है। जैसे एक पत्रकार हैं चांद नवाब, आपको याद ही होगा, उन्हें भुलाया कैसे जा सकता है। चांद नवाब ने अपनी अलग रिपोर्टिंग की वजह से खूब चर्चा बटोरी। इसके बाद हाल ही में पुलवामा हमले और भारत में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में जब टमाटर के दाम बढ़े थे तब एक पत्रकार तौबा तौबा करते हुए फेमस हो गए। वो तौबा तौबा करे और ये तौबा तौबा का मुकाम है इस वक्त। पाकिस्तानी तौबा 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 तौबा। इन सब के बाद अब एक और पाकिस्तानी रिपोर्टर इन दिनों खूब चर्चा में। इस रिपोर्टर ने वो कमाल किया है जिसे शायद अभी तक किसी भी पाकिस्तानी या भारतीय रिपोर्टर ने नहीं किया है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान में इन दिनों बाढ़ आई हुई है, लेकिन पाकिस्तान में आई बाढ़ की रिपोर्टिंग बड़े मजेदार तरीके से हो रही है। ये अगर आप देखेंगे तो कहेंगे सच में ये रिपोर्टर भाई साहब बड़े डेयरिंग है। ये बरसाती रेला है जो अब सखी सरोवर शहर से होता हुआ सीधा जराई रकबों में जा रहा है, जिससे जो जराई रकबे वो जेर आब आ गए, किसानों को अब शदीद इससे नुकसान होने का अंदेशा है। ये जो बरसाती रेला है इसमें वक्त के साथ साथ जो ना पानी में इजाफा होता जा रहा है, जिससे जो ना नुकसान का भी अंदेशा हो सकता है। जी दरअसल इन दिनों पाकिस्तान के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी बाढ़ के दौरान एक पत्रकार की वीडियो वायरल हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तानी पत्रकार गर्दन तक गहरे पानी में, बाढ़ के पानी में खड़ा होकर जैसे तैसे रिपोर्टिंग कर रहा है। रिपोर्टिंग करते हुए रिपोर्टर की ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रही है। जी बिल्कुल, कोटसेटा के इलाके जखड़ी इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बायस यहाँ पर हजारों एकड़ खड़ी फसलें भी दरियाबर्द हो चुकी हैं और ये जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। इसी हवाले से जब हमारे इलाका मकीनों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। आजाद साहब की रिपोर्टिंग को भले ही वहाँ की सरकार ध्यान ना दे, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बहुत अटेंशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ वीडियो बाढ़ की समस्या से ज्यादा हंसी मजाक के तौर पर लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग वीडियो को लेकर मजाकिया टिप्पणियां भी कर रहे हैं। खबर अपडेट की रिपोर्ट।